कोको ए कोको चलो जिला जो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो उसके लिए कम हुई है या बढ़ी है बढ़ गई है क्या उनका सवाल नहीं खड़े उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है आप रोजगार मिला है हमारा जो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो उसके लिए फीस भरते हो माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं ये सब करने के बावजूद क्या होगा आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है सोचो इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गाँव में से 4 या 5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी एक आशा थी एक उम्मीद थी उनके मन में ये नहीं मुख में कुछ मिला पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास कर क्या हुआ और क्या अब जब मैं आई थी 22 में कहा था कि हमने घोषणा पत्र बनाया था उसमें हमने पूरा प्लान बनाया था पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है उसमें जॉब कैलेंडर था उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितनी भी ये जो जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था परीक्षा का डेट नियुक्ति की डेट सारी पहले से तय और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो ये तो 2-3 मुद्दे पूरे 10 मुद्दों का हमने पूरा प्लान बनाया था तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा अब आप खुद ही देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है केंद्र में आ रही है प्रदेश में आ रही है आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले आज किसान आंदोलन कर रहा है तब सड़क में बैठे थे ठंड में सर्दी में आज बैठे हैं तब उनकी सुनवाई नहीं थी आज उनकी सुनवाई नहीं है और इसी तरह से आप सोचिए जब तक बुलडोजर चलता है इनका तो किसके घरों पे चलता है किसके घरों पे चलता है गौर से बोलो जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला उसके घर से क्या बुलडोजर चला जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया उसके घर पे बुलडोजर चला जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए जो बार बार ये घोटाला करते हैं बार बार लीक कराते हैं उनके घरों में बुलडोजर